गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल आईवीएस शिमला। तो आज हम एक नई सेक्शन लेके आए हैं पॉलिटी की। तो ये हमारी आज पॉलिटी की फर्स्ट वीडियो है। तो हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पॉलिटी सेक्शन के। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है पॉलिटी का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट फंडामेंटल राइट। ऑप्शन है हमारे पास राइट टू फ्रीडम, ऑप्शन बी राइट टू इक्वालिटी, ऑप्शन सी राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन एंड राइट टू प्रॉपर्टी। दोस्तों, यहाँ पे जो फंडामेंटल हमारे पास दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में वो हैं पार्ट थ्री में, और यहाँ पे जो आर्टिकल्स हैं फंडामेंटल राइट्स के वो हैं अप टू 12 to 35। तो बात करें हम करेक्ट आंसर की, तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि एक फंडामेंटल राइट नहीं है। अब बात करें हम अदर्स फंडामेंटल राइट्स की, तो हमारे पास हैं फंडामेंटल राइट्स 6। तो थोड़ा हम हिस्ट्री में जाते हैं, प्रेजेंट हमारा 2022, बात करें हम 1978 में। तो 1978 में बात करें हम, तो हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स थे। तो उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं, राइट टू इक्वालिटी, सेकंड है राइट टू फ्रीडम, थर्ड है राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन, फोर्थ है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, एंड फिफ्थ है हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, और जो हमारा सिक्स्थ था उस टाइम राइट टू प्रॉपर्टी, एंड जो सेवन्थ है हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो बात करें हम की आर्टिकल्स की, तो राइट टू इक्वालिटी 14 to 18 तक था, और राइट टू फ्रीडम 19 to 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन 23-24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25-28, एंड कल्चर एंड एजुकेशन राइट 29-30, एंड राइट टू प्रॉपर्टी बात करें हम उस टाइम आर्टिकल 31, एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज आर्टिकल 32। तो ये जो बात है ये है 1978 से पहले की। तो उस टाइम हमारे पास जो राइट टू प्रॉपर्टी था वो हमारा एक फंडामेंटल राइट था। बट हम बात करें प्रेजेंट सिनेरियो की, तो प्रेजेंट में हमारे पास ओनली 6 राइट हैं फंडामेंटल राइट्स। तो जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको रिपील किया गया है बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। मतलब इस आर्टिकल को, राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया गया था हमारे फंडामेंटल राइट से, और इसको प्रेजेंट में नाम दिया गया है लीगल राइट। ये हमारा एक कानूनी अधिकार है, एक वैधानिक अधिकार है, और इसको इंक्लूड किया गया है पार्ट 12 इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल अंडर 300A। ओके दोस्तों, तो हमारा यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन था वो था राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि हमारा आज प्रेजेंट में फंडामेंटल राइट नहीं है। ओके जी, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्रेजिडेंशियल ऑर्डिनेंस कैन रिमेन इन फोर्स फॉर, जो राष्ट्रपति की अध्यादेश हैं वो कितने समय तक लागू रह सकते हैं। ऑप्शन है हमारे पास 3 months, ऑप्शन बी 6 months, ऑप्शन सी 9 months, एंड ऑप्शन डी इनडेफिनेटली। दोस्तों, प्रेजिडेंशियल ऑर्डिनेंस होता क्या है तो पहले हम ये देखते हैं। तो प्रेजिडेंशियल ऑर्डिनेंस वो होता है जब कोई हाउस सेशन में हो, आइदर लोकसभा और आइदर राज्यसभा, तो प्रेसिडेंट एक लॉ जारी कर सकता है उस टाइम। तो विद इन 6 months वो रिमेन में रह सकता है, वो लागू रह सकता है 6 months तक ही। जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस है वो 6 months तक ही लागू रह सकता है। ओके जी, कम टू द थर्ड क्वेश्चन। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अ फ्रेंड एंड गाइड ऑफ, ऑप्शन है हमारे पास सिलेक्शन कमेटी, ऑप्शन बी एस्टीमेट कमेटी, ऑप्शन सी पब्लिक अकाउंट कमेटी, एंड ऑप्शन डी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो थोड़ा सा हम CAG के बारे में जानते हैं। तो जो CAG है उसका रोल होता है, उसका काम होता है अकाउंट्स को ऑडिट करना गवर्नमेंट्स के। तो दोस्तों याद रखना, जो अकाउंट्स है वो होंगे एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जांपल, लाइक अगर गवर्नमेंट बजट इंट्रोड्यूस कर रही है तो जो एलोकेशन होती है पैसों की,
अलग अलग मिनिस्ट्री में, तो जो पैसा स्पेंड हो चुका है उसका जो ऑडिट होगा, उसका जो हिसाब किताब होगा, वो चेक करेगा हमारा CAG, जो चेक करेगा हमारा CAG। ओके जी, तो बात करें हम अदर्स ऑप्शन की, तो सिलेक्शन कमेटी कोई कमेटी होती नहीं है। ओके जी, एस्टिमेट कमेटी, तो दोस्तों हम कमेटीज़ की थोड़ा सा देखें तो पार्लियामेंट कमेटीज़ होती हैं, एक होती हैं स्टैंडिंग कमेटी और एक होती हैं एडहॉक कमेटी। जो स्टैंडिंग कमेटी होती हैं वो परमानेंट होती हैं, और जो एडहॉक कमेटीज़ होती हैं वो टेम्प्रेरी बेसिस पर बनाई जाती हैं, बेसिकली कुछ टास्क कंप्लीट करने के लिए फॉर ए टाइम पीरियड, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड को एक काम दिया जाता है उसको कंप्लीट करने के लिए एडहॉक कमेटीज़ बनाई जाती हैं। तो स्टैंडिंग कमेटी हमारे पास 6 टाइप्स की होती हैं। ओके जी, तो जो ये पब्लिक अकाउंट कमेटी और एस्टिमेट कमेटी, ये किसकी है, उन 6 कमेटीज़ में सब कमेटी है ये फाइनेंशियल कमेटी की। तो ये दोनों किसकी कमेटीज़ हैं, सब कमेटीज़ हैं फाइनेंशियल सब कमेटीज़ की, फाइनेंशियल कमेटीज़ की। बात करें हम ऑप्शन डी की, तो प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर की, CAG फ्रेंड गाइड नहीं होता है प्राइम मिनिस्टर का। ओके दोस्तों, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान पार्लियामेंट इज नोन एज, ऑप्शन है हमारे पास शोरा, बी युआन, सी डेल एंड ऑप्शन डी डाइट। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी डाइट। तो हम अदर्स ऑप्शन की बात करें तो शोरा कहा जाता है अफगानिस्तान की पार्लियामेंट को, युआन कहा जाता है चाइना की पार्लियामेंट को, जो डेल है वो कहा जाता है आयरलैंड की पार्लियामेंट को। बात करें हम इंडिया की, सो इंडिया की पार्लियामेंट को कहा जाता है संसद। ओके जी, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ऑप्शन है हमारे पास द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड द स्पीकर। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो दोस्तों हम थोड़ा पार्लियामेंट में जाते हैं, तो हमारी पार्लियामेंट में 2 हाउसेज हैं, दैट इज अपर हाउस एंड लोअर हाउस। अपर हाउस कहते हैं राज्यसभा को और लोअर हाउस कहते हैं लोकसभा को। अपर हाउस में बेसिकली होती है रिप्रेजेंटेशन स्टेट्स की, और बात करें हम लोअर हाउस की तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन रहती है पीपल्स की, उन स्टेट्स के पीपल्स की। तो राज्यसभा में जो हेड होता है वो चेयरमैन जो होता है वो होता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा में जो चेयरमैन होता है वो है स्पीकर। ओके दोस्तों, तो बात करें हम अदर्स ऑप्शन की, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो ही इज़ द हेड ऑफ स्टेट्स कहा जाता है इसको, और ऑप्शन सी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो ही इज़ नोन एज हेड ऑफ गवर्नमेंट, एंड बात करें ऑप्शन डी स्पीकर की, तो ही इज़ द चेयरमैन ऑफ लोकसभा जिसको कहा जाता है स्पीकर। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द पंचायती राज सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, ऑप्शन है हमारे पास 1945, बी 1950, सी 1959 एंड ऑप्शन डी 1962। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी इन 1959। तो बात करें हम पंचायती राज की, तो जो इंक्लूड है शेड्यूल 11, ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट में आता है 9th, एंड जो आर्टिकल्स हैं इससे रिलेटेड वो हैं 243-243-4। तो दोस्तों जो पार्लियामेंट, जो पंचायती राज सिस्टम है वो इंट्रोड्यूस किया गया था इन 1959, और प्लेस है नागौर डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश, इन आंध्र प्रदेश। और उस टाइम जो पीएम थे, मैक्सिमम टाइम पेपर्स में पूछा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर कौन था उस टाइम, तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। ओके जी, वीडियो कैसी लगी हमारी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।